या अली मदद। अल वाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 536। 24th of February year 2002, my wife in Albuquerque, Mexico, New Mexico, USA. Yali Madad. Yali Madad. Ek dafa phir aapki mulaqat ke liye aaya hoon. फरत ने जा तंगलवाज, इसमें वाज से नहीं है। फरत ने जा तंगलवाज चढ़िया देवन रिंजना, चंद्र सूरज पवन पानी संग चाले सौजना। मौला के सलवात पढ़ो, बहुत दफा ये गिनान बोला जाता है। ये गिनान गुरपी सदरदीन का है, लेकिन पी सदरदीन ने ये कथा नहीं, एक उनका भगत था देवारख। वो जमाने के अंदर मोस्टली इस्माइली जो थे वो गुप्ती थे, और इस वजह से उन लोगों के नाम ऐसे हिंदू नाम होते थे। आज भी ऐसे बहुत से बड़ी उम्र के लोग हैं, मंजी भाई, नथ्थू भाई। तो वो देवारुख नाम का एक भगत था, उसने ये गिनान गुरपी सदरदीन के नाम से बताया है। और उसने चांद सूरज को साक्षी किया है। गुरु सोहदेव, सोहदेव की सदरदीन का लकब है। गुरु सोहदेव माखिया अगम वाणी आखिया, दंडवत करी ने देवारख बोलिया, चंद्र सूरज साखिया। गुरु सोहदेव ने कहा, और मैं चांद सूरज को साक्षी रख के मैं ये कहता हूं कि ऊपर जो बातें हैं वो पिसदरदीन ने फरमाई हैं। दिनदारो, हम इस्माइलियों को अपने मजहब का पता नहीं है, और हम लोग जानना भी नहीं चाहते। मोस्ट लेजी और लेथर्जिकल कम्युनिटी हम इस्माइलियों की है, और वो कौन सा इस्माइली, जो जम्पू द्वीप के हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले। हमारे अंदर एक लेथर्जी है, सुस्ती है। एनीवे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गुरपी सदरदीन ने कहा कि एक वक्त आएगा, मौलाना हजर इमाम, वो जमाने के हजर इमाम, बदियों बुराइयों से, गुनाहों से, खराबियों से, बेधर्मी से, बेईमानी से लड़ेगा। और तब तक जब ये बात बनेगी तो दुनिया के अंदर बस्ती बहुत बड़ी हो जाएगी। मौला लड़ेगा, फरत नेजा फ्लैग फिरेगा। ये प्रेजेंट टेंस में कहा गया है। फरत ने जा तंबल वाज, ड्रम बजता है, चढ़िया देव निरंजन। ये निरंजन निराकार खुदा का नूर ये चढ़ेगा किस पे, घोड़े पे। इसको कहते हैं अश्वारी। हम लोग छोटी उम्र से सुनते आए हैं कि मौला अश्वारी करेगा, करेगा अश्वारी। अभी टाइम नहीं आया, लेकिन अब टाइम नजदीक है। मुझे एक वाकया याद आया, मौलाना अली शाह माँ बाप का इमामत का वारा हुआ। अली शाह माँ बाप 4 बरस इमाम रहे, लेकिन अपने अब्बा के साथ पीरी जौमा भोगते रहे।
तो जब इमाम बने जूनागढ़ गए, जूनागढ़ में मौला को प्यार करने वाला एक आला दर्जे का मोमन था वजीर इस्माइल गांग जी, कि जो मौलाना अली शाह माँ बाप की इमामत में गुजर गया और अली शाह माँ बाप ने उसको पीर का दर्जा दिया। अर्ली मॉर्निंग ये अमरदार लोग मौला उस वक्त तंबू में रहते थे, टेंट लगा के रहते थे, क्योंकि उनके लायक रहने की कोई जगह नहीं थी। सुबह सुबह दुआ पढ़ के जमात के अमरदार 10-12 जने थे, ये उधर सुबह पहुंच जावे, बाहर हाथ बांध के खड़े रह गए। अली शाह माँ बाप बाहर निकले, दुआ सीखते हुए बातें करे और थोड़ा टहलने के लिए, वॉक करने के लिए निकल जावे। जिस जगह मौला के ये टेंट्स लगे हुए थे, नजदीक एक तालाब भी था, एक पुल था, और उस पुल के अंदर मगरमच्छ बहुत थे। गवर्नमेंट ने बोर्ड भी लगाया हुआ था, डू नॉट स्विम, क्योंकि इसमें मगरमच्छ बहुत है। तो उस किनारे के ऊपर घूमते रहते थे। एक दिन किसी ने, भगत ने, माला को पूछा, खुदावन मैं कुछ पूछूं? अच्छा पूछ, कि मौला अश्वारी कभी करोगे? बोला, हंस पड़े, जवाब नहीं दिया। उसकी भी पूछने की हिम्मत न हुई। जब ही जाने लगे, घंटे डेढ़ घंटे के बाद ये लोग जाते थे, मौला बोले कल मुझे 100 आदमी चाहिए, कल तुम लोग आओ तो 100 जने आना, मैं अश्वारी करूंगा। इन लोगों को रात को नींद ना आई। दूसरे दिन ये 10-12 अमलदार, दूसरे इनके सगे कुटुंबी, 100 आदमी आ गए। मौलाना अली शाह माँ बाप अंदर से बंदूक लेके बाहर निकले। अली शाह माँ बाप बहुत अच्छे शिकारी थे, हाथ में बंदूक, वॉक कर रहे हैं, 100 आदमी पीछे हैं। जब ये तालाब के नजदीक पहुंचे तो ऐसा ऊपर देखा, एक मुर्गा भी, जिसको हम सीगल कहते हैं आमतौर पे, फौरन बंदूक निकाली और एक हाथ से उसको गोली मारी, निशाना भी नहीं किया, ऐसे ही बंदूक उठाई और डस किया, वो तड़पते तड़पते पानी में गिरी। अली शाह माँ बाप ने ऐसा मुड़ के इन 100 आदमियों की तरफ इशारा किया, कोई तुम्हारे में से जाए और इसको लेके आओ। ये लोग उड़ के रहने वाले थे, बोर्ड भी पड़ा था, अंदर मगरमच्छ हैं, सबके मुंह नीचे। मौला बोले जल्दी करो, किसी की ताकत ना हुई, किसी की हिम्मत ना हुई। मौला शिकार के बहुत अच्छे माहिर थे, इसलिए 2 कुत्ते भी हमेशा साथ रहते थे, और उस दिन भी एक कुत्ता पीछे पीछे चला आता था। जब ये तीसरी दफा जमात को कहा, कोई नहीं गया, तो साहब ने कुत्ते को इशारा किया, भागा तीर की तरह, मुर्गा भी को उठा के मौला के पांव में रखा, दुम हिलाने लगा। मौला ने शाबाश दी। मौला फरमाया, अश्वारी क्या करूं, मेरे मोमन में ताकत नहीं कि अश्वारी को सहन कर सके, मेरी मदद कर सके। तुम्हें नहीं लगता कि यह कुत्ता तुम्हारे से ज्यादा ओबीडियंट है? क्या जवाब दे रहे? कुत्ते को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, अश्वारी होगी और जरूर होगी, अभी भी उसमें 100 बरस बाकी है, लेकिन अश्वारी मोमनों के बचाने के लिए, मोमनों की मदद के लिए होती है। हम लोगों का ईमान जबान का ईमान है कि मौला बप्पा अपना जो मौला आए, लेकिन जब वो फरमान की बात आती है तो हमसे पारे नहीं जाते।
हजर इमाम के फरमान हम रोज सुनते हैं। एक छोटा सा फरमान जो मैं लगभग अपनी आवाजों में बहुत दफा बोलता हूँ ताकि लोगों को ये चीज ध्यान में उतरे। ये बात सुनाने से पहले मैं एक बात सुना। बॉम्बे में सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार 1940 में लड़ाई के टाइम में आए, लड़ाई लगी 1 सितंबर 1939 को और फरवरी 40 में बोला बम्बई आए। लड़ाई सख्त जोरों पे थी, चीजों के भाव बढ़ रहे थे। दो आने का जो एक बल्ब मिलता था इलेक्ट्रिक का, उसके 5 रुपए हो गए 6-7 महीने में। तो उस जमाने के अंदर जब मौला आए तो एक दिन कासिम अली मंजी नथू एंड कंपनी, हमारे वो वाइस मुखी थे, नायब मुखी, उनकी कंपनी थी बड़ी, 80-90 आदमी इस्माइली उनके अंदर स्टाफ में काम करते थे। तो मंजी नथू बयान कंपनी के स्टाफ ने मेहमानी रखी, 20-22 बरस का एक लड़का चाइना सिल्क का सूट पहन के बैठा था, मुरून टाई, खूबसूरत लड़का था, अच्छा लगता था। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को भी चाइना सिल्क बहुत पसंद था, चाइना सिल्क बहुत महंगा हो गया। मेहमानी में बैठा था तो मौला ने उसकी तरफ देख के हंसे, उसको कहते हैं गुड सूट, तो वो तो फूल गया। कितने में बना? सब 300 रुपए में। तुम्हारी पगार कितनी है? सब 80 रुपीज। 80 रुपए पगार, 300 रुपए का सूट पहनते हो, चोरी करते हो? नहीं नहीं नहीं, खुदा मैं चोरी नहीं करता, माँ बाप के साथ रहता हूँ, पैसे जमा करके मैंने ये सूट बनाया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी टाई को ऐसा अलग करके अपनी कमीज के बटन खोले और यूं खोल के दिखाया। मैंने अपनी नजर से ऐसा झुक के देखा तो मौला ने अंदर जो सिंगलेट पहनी थी ना, उसमें होल थे, फटी हुई थी, पुरानी थी। इस दातार को 2-5-10 रुपए की सिंगलेट न मिले? अगर ये इशारा करे कि मुझे सिंगलेट चाहती है तो वहां हजारों सिंगलेट आ सकती हैं। बाबा फरमाया पैसा जमा करो, कर कसर करो, वक्त खराब है और भी महंगाई बढ़ेगी, पैसे खर्च न करो। मुखी जी खुदा, कोई भी मिशनरी आवे, कोई भी उसका सब्जेक्ट होवे, उसको कहो कि यह हमारा फरमान है कि 10 मिनट हर वाइज में कर कसर पे इकोनॉमी के ऊपर बोलो ताकि लोग पैसे बचाएं। भले खुदा, देखो मुखी, खोजा लोग बहुत ज़ईफ है, ज़ईफ मीन्स कमजोर है, 100 दफा बोलेगा ना एक दफा सुनेगा। और हमारी बात यही है, मुझे जो बात कहनी थी वो ये, और मैं रिपीट करके बोला करता हूँ, बार बार बोलता हूँ इसलिए कि लोगों को ध्यान में उतरे। 76 में मौला नैरोबी आए, मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये कहता हूँ कि जब मुखी ने कहा कि खुदावन मैं आपको अच्छी न्यूज दूँ, तो मौला ऐसा फिर के पूछते हैं क्या है मुखी? खुदावन आजकल जमात खाने की हाजिरी बहुत अच्छी होती है। इतना मौला राजी हो गया, खुश हो गया, खड़ा होकर फरमान किया, जब तुम जमात खाने आते हो मुझे इतनी खुशी होती है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे खुश नहीं करती, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है। मौला ने इंग्लिश वर्ड बोला हर्ट मी, कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुखी नहीं करती। अब मुझे बताओ, हम लोग ये एक चीज मौला की मान नहीं सके कि हम लोग उस जमात करने आ गए। हमको डॉलर इतने प्यारे हैं, हमें मौत शब्द दुनिया की इतनी प्यारी है कि हाजिर इमाम भले ना बोलता हो, हमारे न आने से उसको दुख होता है तो भी हम भले ना दुख होता है दुखी होता है, क्या बात है? हमारा ईमान किधर गया? और आज जो हमारे अंदर ये जो पैसा है, इज्जत है, 6 मकान हैं, गाड़ियां हैं, ये आप लोगों की वजह से नहीं, उन बाप दादाओं की वजह से कि जिनकी माओ ने, जिनकी दादियों ने, परदादियों ने
गाय का शेर इकट्ठा करके उसको सुखा के उस पर पकाते थे रोटी, जो तन का कपड़ा था उससे अलावा दूसरा कपड़ा नहीं था, एक तक खाना खाते थे, जमीन पे सोते थे। उन लोगों ने जो बंदगियां इबादतें की हुई है उनकी दुआओं की तुफैल आज उनके दो चार नस्लों के बाद अली शाह माँ बाप के जमाने से उन लोगों ने जो दुआएं ली हुई है, हम उन लोगों के बच्चे हैं, उनकी दुआओं से आज हमारे पास मकान है, मोटरे हैं, बंगले हैं, पैसे हैं, और आज हमारा हाल ये है कि हम हज़रत इमाम के घर पे अपने दुनिया का काम काज छोड़ के आधे घंटे लिए आ नहीं सकते। हमारे लिए ये शर्म की बात है। वो वक्त आता है जब ही हम लोगों को पीछे हटा दिया जाएगा, इस्माइलियों को पीछे हटा दिया जाएगा। वो इस्माइली आएंगे कि जो खुरासान के हैं, ईरान के हैं, ताजिकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, किर्गिस्तान के हैं, वो हज़रत इमाम के नज़दीक आ जाएंगे और हम खोजे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग दुनिया की मौत शौक में, दुनिया के ऐशाराम में पड़े रहेंगे और चांस निकल जाएगा। मैं आज 10 बरस से अफगानों के अंदर, कनाडा के अंदर कहता चला आया हूँ, और आज भी मैं कहता हूँ कि हमारी जमात में से, खोजा जमात में से, कि जो इंडिया पाकिस्तान के असल खोजे हैं, 20,000 दिन के बोझे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग हमारे मजहब में से निकल जाएंगे और आस्ते आस्ते निकल रहे हैं, या मुसलमान हो जाएंगे या बेईमान हो जाएंगे, खुदा में नहीं मानेंगे, 2-5-10 क्रिश्चियन भी हो जाएंगे, हमारी जमात में से बहुत से लोग निकल जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, निकल क्यों जाएंगे, उनकी दसवंद नहीं होगी, 3 वक्त की दुआ नहीं होगी, जमात खाने की हाजिरी नहीं होगी, ये 3 चीजें मिलके उनके दिल में बेईमानी पैदा कर देंगी। निकल रहे हैं आज भी और भी निकलेंगे, और निकलने का यही कारण कि इमाम की नाफरमानी, इमाम की फरमान बरदारी मान के हमारे बाप दादाओं ने जो मेहनत की, धर्म किया, उसका इवजाना, उसका बदला आज उनकी नस्ल को, औलाद को मिल रहा है, हम लोग मालदार बन रहे हैं। और मैं ये भी आपको अच्छी खबर सुनाऊं, अच्छी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी कि अच्छी नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी है। पता क्या है, अगर मैं फरमाया नॉर्थ अमेरिका के अंदर और खसूसी अमेरिका के अंदर मेरे मुरीद बहुत मालदार बनेंगे, बहुत बहुत मालदार बनेंगे। मुंह ढीला करके कहता है लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे भूल जाएंगे, पैसा बहुत आएगा, ईमान चला जाएगा। और जब ये बात बनेगी तो फिर क्या होगा, क्या होना है, दुख के जो दिन थे उसमें बाप दादाओं ने बंदगी की, आज हम लोग मालदार बने, राजा बने, बादशाह बने, मिलियन डॉलर का घर है, 1-2 लाख डॉलर की गाड़ियां चलती हैं, बैंकों में पैसे पड़े हैं, ये सब हवा हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। अगर हमने मौला का रास्ता छोड़ दिया तो थोड़े टाइम के अंदर ये तमाम दौलत हवा हो जाएगी, कहां चली जाएगी पता नहीं लगेगा। और इस किस्म के बहुत से वाकयात जिंदगी के अंदर देखे हुए हैं। मैं जमात को जगाना चाहता हूं और जमात को मैं ये बताना चाहता हूं कि फ्यूचर का ध्यान करो। मैं जमात को ये अर्ज करना चाहता हूं कि फारसाइट से काम लो, क्या करने से क्या रिजल्ट मिलता है उसके ऊपर कभी सोचो। एक छोटी सी हथौड़ी जो सोनी की हथौड़ी है, इस टेबल को तोड़ने के लिए काम नहीं आई थी। ऐसे छोटे छोटे गुनाह जो हमसे होते हैं वो हमारे ईमान को तोड़ नहीं सकेगी, लेकिन अगर एक हम 5 किलो का हैमर इस टेबल के ऊपर मारें तो ये टेबल चकनाचूर हो जाए। 5 किलो का हैमर क्या है, हूंपनी, बड़ाई, बेईमानी। जब इंसान के दिल के अंदर बेईमानी पैदा होती है उसकी अंदर की आंखें अंधी हो जाती हैं, और जब अंदर की आंखें अंधी होती हैं फिर उसको अपने अमल का कोई नतीजा मिलता नहीं, नजर नहीं आता। क्या करने से क्या रिजल्ट होता है, मोमन के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है।
अगर एक आदमी बैठा है खाना खा रहा है तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उसका पेट कहेगा कि अभी बस, फिर सामने वाला उसको खिलाने वाला कहता ना थोड़ा और लो, नहीं नहीं बस, फिर थोड़ा और लो, नहीं अभी नहीं खाया जाता, लिमिट आ गई ना। तो जिस तरह हमको इस लिमिट का पता लगता है कि मैं और नहीं खा सकता, इस तरह हमको ये पता नहीं लगता कि मैं जो करता हूं वो बराबर नहीं करता। हमको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने मौला को वचन दिया है, बैयत की है, और बैयत के अंदर मैंने धनी को कहा मेरा माल धन तन सब कुछ तेरे कर्दमों में रखता हूं, कंप्लीट सबमिशन टू मौलाना हज़रत इमाम, दैट इज अवर बैयत, कंप्लीट सबमिशन। फिर उसके अंदर आनाकानी नहीं होती। मौलाना इमाम जाफर सादिक की मुझे बात याद आई, इमाम अलैहिस्सलाम के पास, मैं इसमें से एक छोटी सी ब्रांच निकालनी चाहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उस वक्त शिया सुन्नी जुदा हो चुके थे। शिया उसको कहते हैं कि जो इमामत को मानते हैं, सुन्नी उसको कहते हैं कि जिन्होंने खाली कुरान पकड़ लिया और इमामत को छोड़ दिया। हर बच्चे को, बल्कि हर बड़े आदमी को भी रसूलुल्लाह के टाइम से हमारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अली और नबी को जितना हम इस्माइली जानते हैं, दुनिया के लोग नहीं जानते। हम अली को खुदा का नूर मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का नूर मानते हैं। अली हमारे इमाम हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल जो है उनके अंदर पीर और इमाम उतरे। इमाम अल्लाह का नूर है और जो पीर है वो मोहम्मद का नूर है। जो अली को मानते हैं वो शिया कहलाए, और जिन्होंने नबी की बात न मानी वो सुन्नी हो गए। लेकिन मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूं। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लत पढ़ो, 63 बरस की उम्र हुई, 63 years, 23 years नबूवत के पूरे होने वाले थे। खुदा ताला ने हुक्म किया कि आए मोहम्मद अली की बाबत में लोगों को बता। रसूलुल्लाह दरा अचका है, अली से बहुत प्यार करते थे और लोगों को पता था। अल्लाह का यह हुक्म हुआ कि अली की इमामत की डिक्लेरेशन कर कि तेरे बाद अली इमाम है। मगर रसूलुल्लाह अचकाए इसलिए कि लोग कहेंगे कि अपने भाई को हमारे ऊपर रख गया। जब भी थोड़ा टाइम निकल गया तो हज से वापस आते थे, ये 6 हज थी नबी की। हज मक्का में है, नबी रहते थे मदीना में। मक्का से मदीना लगभग 200 माइल नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसके लिए वहां पहुंचने के लिए इनको नॉर्थ जाना चाहिए। और नॉर्थ ऐसी जगह थी कि एक रास्ता राइट को जाता था यमन और हजरमौत को, और दूसरा रास्ता इराक और मदीना जाता था। इस जगह को, हाँ एक तड़ाव भी था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हिसाब से इस जगह का नाम है गजीर। यहां जब पहुंचे तो यहां से नबी के साथ 140,000 मुसलमान औरतें मर्द जिन्होंने हज किया था, 6 हज में वापस आ रहे थे। यहां पहुंच के अल्लाह का हुक्म हुआ, अरे मोहम्मद तेरे को जो पैगाम दिया गया है वो तो जल्दी से पहुंचा, और अगर तूने नहीं पहुंचाया तो मैं ये समझूंगा कि तूने प्रॉफिट का काम ही नहीं किया, यानी सारी प्रॉफिटहुड रद्द कर दूंगा। नबी साहब कांपने लगे। फिर खुदा कहता है तो डरना लोगों से, खुदा तुझे उनसे बचाएगा। ये आयत हम अपनी दुआ में रोज पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये आयत का मतलब क्या था? अगर इमाम कितने फरमान करते हैं कि तुम अपनी दुआ का मतलब जानो, मतलब हानी वर्ड टू वर्ड उसका ट्रांसलेशन
लिटरल ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन इसके पीछे भेद क्या है, ये आयत क्यों उतरी? नबी करीम फौरन खड़े हुए, बिलाल को बुलाया, बिलाल जल्दी लोगों को बुलाओ, आदमी भेजो जो चले गए हैं उनको वापस बुलाओ। सुबह सुबह ये आयत उतरी, सूरज निकलने से पहले पहले लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। 10-1 बजे के आश्रय में नबी के लिए प्लेटफॉर्म जैसा बनाया गया, ऊंटों के ऊपर लगेज लादने के लिए डब्ल्यू शेप के लकड़ी के फ्रेम बने हुए थे, डब्ल्यू शेप के इस तरफ और इस तरफ सामान होता था, इनको कुजावा कहते हैं, नीचे उतार के ऊपर नीचे रख के पटिए रख के नबी के लिए खड़ा होने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। नबी ऊपर चढ़े, मुसलमान इकट्ठे हुए, हर 10-10 लाइन के ऊपर एक आदमी रखा गया ताकि ये आदमी सुन के उन लोगों को सुनावे, लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं था। शाम तक ये सिलसिला चला, नबी बोले कि मैंने तुमको कहा कि तुम अल्लाह को एक मानो, तुमने माना, सच है? हाँ। मैंने तुमको कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल और उसका नौकर हूँ, तुमको कहा? हाँ या नबी। मैंने तुमको कहा कि तुम नमाज पढ़ो, हाँ या नबी। इस तरह से दोहराते रहे, सब लोग हाँ हाँ करते रहे। अब मेरा वक्त नजदीक आया है, फरिश्ता अगर मुझे बुलाने आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा, यानी मौत की बात की। मेरे बाद दो चीजें हैं, मेरी आल और अल्लाह की किताब। और फिर अली को ऊपर बुलाया और अली का हाथ पकड़ के ऊंचा किया कि मैं जिसका मौला हूं, अली उसका मौला है। यहां एक कैच है, कैच क्या है? मैं जिसका मौला हूं, ये बात सबके लिए नहीं। मुझे जो मौला मानते हैं, मतलब के ईमानदार, ऐसे बहुत से जो थे कि वो मोहम्मद को महज मुसलमान बन गए, लेकिन मोहम्मद पे एतबार नहीं था। जब ये कहा कि मैं जिसका मौला हूं, अली उसका मौला है, आप बैठ गए और सबसे पहले हजरत उमर खड़े होके अली की बयत की, अली को मुबारकबाद दी, और उसके बाद 1, 2, 3 सब चलते गए। कई दिनों तक ये बयत का काम होता रहा, मर्द पूरे हुए तो फिर औरतें भी आई। रसूलुल्लाह घर वापस आए, 2 महीने के अंदर बीमार पड़े और गुजर गए। जब नबी गुजर गए तो नबी के जो दो ससुरे थे ना, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये उठ के चले गए, नबी की मैयत को छोड़ दिया, दामाद की मैयत को छोड़ दिया, और जाके इन्होंने खिलाफत बनाई। और इस दरमियान में मुर्तजा अली ने जिस चारपाई पे, यानी कॉट के ऊपर नबी गुजर गए, उसको उठा दिया और उस जगह कब्र खोद के अपनी गोद में नबी को बिठाया, गोद में सुला के पानी डालते रहे, घर के आदमी गुसल दिया, उन्हीं कपड़ों में नबी को दफन कर दिया, मिट्टी डाल के दरवाजा बंद करके ताला लगा के अली घर चले गए। और नबी साहब के जो दो बड़े ससुरे थे ना, वो फिर बाद में आए खलीफा बन देने के बाद। यहां देखा तो दरवाजा बंद है, बहुत रोए, बहुत पछताए, लेकिन अली ने जहां अली नबी को दफन किया, आज भी 1400 बरस के बाद नबी साहब उधर ही दफन है। ये एक हिस्टोरिकली ऐसा फैक्टर बन गया कि इससे कोई इनकार कर नहीं सकता और इस चीज को मिटा नहीं सकता हिस्ट्री में से। यहां से मुसलमानों में दो ग्रुप हो गए, एक वो जो नबी साहब का हुक्म मान के अली को अपना मौला मानते रहे, दूसरा वो जो अबू बकर और उमर की पीछे चले और उन्होंने अली को न माना, की हुई बयत तोड़ डाली और अली की बात न सुनी, नबी की बात न सुनी। उनको हम सुन्नी कहते हैं, और अली को मानने वाले, नबी के फरमान पे चलने वाले, उनको हम शिया कहते हैं। हम इस्माइली शिया हैं। अली के बाद हसन, मौलाना हसन जो थे वो पीर बने, इमाम हुसैन जो थे इमाम बने। मौलाना हसन के एक बेटे थे,
उनको पीरी जमा मिला जमा मिला, इमाम हसन के एक बेटे थे उनको इमामी जमा मिला। इस तरह शाह और पीर की ये नस्लें हसन हुसैन से चली। इस तरह से पांचवा इमाम हमारे जाफर सादिक थे। शियों के ऊपर शिया थोड़े थे, सुनी बहुत ज्यादा थे। आज भी शिया जो है वो हार्डली 25 या 30% है, 70% 75% सुनी है, और सुनी शियों को बुरी नजर से, हल्की नजर से देखते हैं, क्योंकि जो शिया है वो अली को प्यार करते हैं, अली को इमाम मानते हैं। और शियों के अंदर भी थोड़े फिरके पड़ गए, जैसा कि मौलाना जाफर सादिक के टाइम में शिया बहुत थे, मगर जो खलीफा था मंसूर वो इस बात के ऊपर अड़ा हुआ था कि किसी तरह ये इमामत की जो सिलसिला है, इमामत की जो जनरेशन है, इसको मैं तोड़ डालूं। मौलाना इस्माइल जो थे उनको कत्ल करने की तजवीज करता था। इमाम जाफर सादिक ने अपने बेटे इस्माइल को सीरिया भेज दिया और रात के वक्त निकल गए, पता नहीं चला। जब इमाम जाफर सादिक गुजर गए तो इमाम इस्माइल हाजिर नहीं थे और लोगों को पता नहीं था, सिर्फ थोड़े दाई जो थे उनको पता था। तो जो आम जो शिया थे उन्होंने देखा तो एक दूसरा लड़का था मूसा काजम, इमाम जाफर सादिक का लड़का, उसको उन्होंने अपना इमाम मान लिया। लेकिन जो इस्माइली दाई थे उनको पता था कि इमाम सीरिया में है, तो उन्होंने जमात के लोगों को कान में कह दिया कि तुम इसकी बयत नहीं करना। तो उसकी बयत ना हुई, ये लोग फिर इसको छोड़ के सीरिया चले गए और सीरिया में जाके मौलाना इस्माइल की बयत की। तो यहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानने वाले इस्माइली बने और मूसा काजम को जो मानने वाले थे वो लोग इसनाशरी हुए। उनका 12 इमाम जब पैदा हुआ वो भाग गया। इमाम कभी भागता नहीं है, एक सिर्फ इस्माइली फिरका है कि जिसका इमाम आज भी मौजूद है, हाजिर मौजूद है, और कयामत तक ये इमामत का सिलसिला चलेगा। हमारा हर इमाम इस बात के लिए डिक्लेयर करता चला आता और क्लेम करता चला आता है कि इमामत कयामत तक चलेगी। मौलाना हाजिर इमाम जब गादी नशीन हुए, 22 बरस की उम्र थी, हार्वर्ड में पढ़ते थे, एमए पूरा किया और चले आए, इमामत का काम संभाल लिया। 1962 के अंदर, यानी के 5 साल हो गए इमाम बने हुए, मौला दुनिया बने 27-28 बरस के हो गए। इटालियन एक भाई थी कि जिसने मौला का इंटरव्यू लिया, तो माँ बाप ने अपनी बातों के अंदर उसको कहा कि इमामत जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो उसने कहा कि आप नामदान ने शादी नहीं की अभी तक, सब बोले नहीं की, तो आप मान लो, माफी चाहता हूँ मौला के हुजूर में, कि आप मर जाओ तो फिर ये इमामत बंद हो जाएगी। साहब हंस के कहते हैं मैं नहीं मरूंगा जब तक कि मैं अपना वारिस नहीं छोड़ू, मैं शादी करूंगा, मेरा वारिस होगा। कहने का मेरा मकसद यह है कि हमारे इमाम 1400 साल से कहते चले आए कि इमामत कभी मिटने वाली नहीं, ये कयामत तक चलेगी और चल रही है और चलेगी। ये इस्माइली लोगों का दावा है, हमारा ये तरीका है। हम लोग बहुत नसीबदार हैं कि हमको दुनिया के जमाने के अंदर अल्लाह के इस नूर की हमें शनाख्त है, हम उसको मानते हैं, जानते हैं। हज़रत इमाम हमारा इमाम है, लेकिन हम यहाँ आके कमजोर हो गए कि दुनिया ने हमको लुभा दिया, इमाम की फरमान बरदारी नहीं होती, ये हमारी कचास है। हमें इमाम की फरमान बरदारी पे रहना चाहिए। और हमारा मजहब जो है ये नबियों का मजहब है, ये प्रोफेटिक मजहब है। इस मजहब से सबसे बड़ी जो चीज मिलती है संतोष मिलता है। मैं कल परसों कहीं पहले के अंदर वाजों के दरमियान मैंने कहा कि गए 70 साल से मैं दुनिया में घूमता हूँ, फिरता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। लास्ट 10 ईयर्स में मैंने फील किया है कि हमारी जमात के अंदर मेंटल बीमारियां बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रही है,
कंफ्यूजन बढ़ रहा है, हेल्थ बिगड़ रही है, क्या कारण? जब इंसान को ऐसा फील होता है कि मेरा कोई नहीं, तो उसके दिल के अंदर नाउम्मीदी पैदा हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो जाती है। डिप्रेशन की ये पहली निशानी है कि इंसान ये समझता है मेरा कोई नहीं, किसी पे उसको एतबार नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह के ऊपर एतबार नहीं रहता। वो ईमान को महज मानता है, लेकिन अगर ईमान के ऊपर उसका भरोसा और ईमान हो गए तो उसको कभी फील नहीं हो, कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिले उसको कि मेरा कोई नहीं, अरे मौला बैठा है। लेकिन जब ये बात बनती है, ये बात इसलिए बनती है कि ईमान कमजोर हो गया। जमात खाना जो है ना, हम लोगों को मालूम नहीं, हम ये समझते हैं कि जमात खाना एक मीटिंग प्लेस है। जमात खाना नूर का घर है, हजरत इमाम का नूर जमात खाने में सुबह शाम मौजूद है। जब भी जमात गत बनती है शाम के वक्त और सुबह के वक्त, जब भी मुखी कमरी आके गाजी पे बैठते हैं, हई जिंदा होती है, इनाम दुआ वगैरह शुरू होती है, तो दिनदारों हजारों रूहानियां जमात खाने में आती हैं, फरिश्ते आते हैं। दुनिया भर की जितनी भी जमात खाने हैं वहां रूहानियां जाती हैं। सैकड़ों हजारों साल गुजर गई पहले रूहानियां और जमात खानों में जाती हैं। मैंने ये भी जमात को समझाया है कि जो लाखों करोड़ों हिसाब बिगड़ के आदमी गए, दो पांच दस हजार बीस हजार लाख बरस में गुजर चुके हैं, ये बहुत सी रूहानियां दुनिया में भटकती हैं। मुसलमानों की रूहानियां जिनको नजात नहीं मिलती, वो उस मस्जिद में जाती हैं कि जिसमें वो अपनी लाइफ के टाइम जाया करता था। क्रिश्चियन लोगों की रूहानियां उस चर्च में जाती है कि जो चर्च उसकी घर के नजदीक था और वो उस चर्च में जाया करता था। इसी तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम कौम की जो रूहानियां गुजर जाती हैं, तो जिस चर्च में, जिस जमात खाने में, जिस मंदिर मस्जिद में वो रूहानियां जाती थी लाइफ के टाइम में, मौत के बाद उधर जाती हैं। जमात खानों के अंदर भी हमारी इस्माइली रूहानियां आती हैं। इस्माइली मजहब आज से नहीं, लाखों करोड़ों बरसों से चला आता है। मैं लाखों करोड़ों बरस यूं ही नहीं बोल दिया, सोच समझ के बोला है। हमारा जो मजहब है ये बहुत पुराना मजहब है, जमीन आसमान पैदा नहीं हुए थे तब से इस्माइली मजहब चला आता है। सच्चा, जमीन आसमान पैदा नहीं थे, चांद सूरज नहीं थे, तब इस्माइली मजहब था। हाँ मिश्नरी साहब, दिमाग ठीक है? हाँ ठीक है। इस्माइली मजहब क्या है? इमाम की ताबेदारी करना, बस। हजर इमाम की ओबीडियंस करना, उसके ओबीडियंट रहना, उसको कंप्लीट सबमिशन दे देने, ये हमारा इस्माइली मजहब है। जितना हुक्म हम 10% हजर इमाम का हुक्म मानते हैं तो हम 10% इस्माइली हैं। अगर हम 80% हजर इमाम का हुक्म मानते हैं तो हम 80% इस्माइली हैं। और ऐसे बहुत थोड़े हैं कि जो 100% इस्माइली हैं। अभी खुद ही समझ लो कि मैं कितने परसेंटेज का इस्माइली हूं। हमारी जमात के अंदर 5% 7% के बहुत है, न जमात खाने आते हैं, न दुआ पढ़ते हैं, न दसवंत देते हैं, क्योंकि इस्माइली माँ के पेट से जन्म लिया इसके लिए इस्माइली हैं। लेकिन 70%, 80%, 90%, 100% जो इस्माइली होते हैं वो तो बहुत थोड़े हैं। तो जब आसमान जमीन नहीं बनी उस वक्त फरिश्ते थे, रूहानियां थी, इन रूहानियों और फरिश्तों ने अपने आप को सबमिट किया मौला के पास। इसलिए मैंने आपको ये कहा और हमको पीरों ने किरण में कहा है कि ये चांद सूरज नहीं थी, तब से ये इस्माइली मजहब चला आता है। जब चांद सूरज नहीं थे उस टाइम को आद कहा गया, आद। और आद से पहले जो टाइम था कि जब फरिश्ते और रूहानियां नहीं थी, सिर्फ मोहम्मद का नूर था, अल्लाह था, मोहम्मद का नूर था, उसको उनाद कहा गया। आद उनाद थी ही पंथ साचो, इन पंथ चली
नहीं कोई वरे ओ पाछो जी याद उनाद थी ही पंथ साचो। आद उनाद जमीन आसमान बनने से पहले जो फरिश्ते थे वो इस मजहब के ऊपर थे, हमारे इस्माइली तरीके पे थे, और ये तरीका ये कि वो फरमान मानते थे। बाकी तमाम चीजें इसके नीचे आती हैं। हम जमात खाने इसलिए आते हैं कि मौलाना ने फरमान किया। हम मौलाना हजर इमाम को मेहमानी खिलाते हैं जो नांदी हो जाती है, ये मौला के फरमान से है कि तुम मेरी मेहमानी जमात खाने में ले जाओ, मैं वहां हाजिर नाजर बैठा हूँ। हम दुआ पढ़ते हैं तो मौला के फरमान से पढ़ते हैं, दसवन देते हैं तो उसके हुक्म से देते हैं। हम जितना भी मजहब पालते हैं उसके हुक्म से पालते हैं। अब मौला के हुक्म में ये है कि तुम किसी से हसद ना करो, लेकिन फिर भी हम दुआ पढ़ते हैं, खाने आते हैं, फिर भी हसद करते हैं, तो इतनी परसेंटेज हमारा ईमान घट गया। मौला कहता है एक दूसरे की मदद करो, मौला कहता है किसी की खिबत न करो, मौला कहता है किसी ने तुमको कुछ दुख दे दिया तो बदला मत लो, छोड़ दो, तुम्हारा भाई है, माफ कर दो। ये तमाम मजहबी चीजें हमारे मौला के फरमान में आती हैं। अगर हम इनको नहीं मानते तो इतने परसेंटेज हमारा ईमान कम हो गया। हर कोई आदमी अपने दिल में जानता है कि मैं कैसा इस्माइली हूँ, 5% हूँ कि 10% हूँ, 70% हूँ कि 80% हूँ। हम लोगों को दुनिया की मौत शौक माया ममता मिलती है। मैं कल लास वेगास था, सारा शहर जुए से भरा हुआ है, आते हैं बहुत से लोग। रात को मैं भी निकला था देखने के लिए, मैं किस जगह गया नहीं। एक दफा बहुत पहले मैं देखने गया था कि जुआ किस तरह खेला जाता है। जुए को जो मौला ने हराम किया है उसकी वजह है कि इंसान की मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर उसमें से दसवन निकाले तो उसको अच्छाई सूझे, मगर वो पैसा फिर जुए में जाता है, वो हराम रास्ते में जाता है, जिससे उसकी बुद्धि खराब होती है, उसका ईमान खराब होता है, उसकी हेल्थ भी खराब होती है। वो आदमी ना इधर का है ना उधर का है, शराब पीते हैं, शुगर खेलते हैं, अजफेली करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐश आराम करते हैं, मगरूर होते हैं, अभिमानी बन जाते हैं, प्राउड होता है आदमी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। ये तमाम चीजें हमारे मजहब की दुश्मन है। इन तमाम चीजों में पढ़ के हमारा ईमान खराब हो जाता है, और ईमान जब भी खराब होता है तो इसलिए खराब होता है कि हम अपने मौला का हुक्म नहीं मानते। इसके लिए मैंने कहा कि कोई 5% इस्माइली है, कोई 7% है, कोई 20% है। ज्यादा लोग जो इस्माइली है ना वो 50% से नीचे है। ए मोमिनो, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मजहब पे न चलने से हमें क्या पनिशमेंट होती है, लेकिन होती है। मजहब पे न चलने से हमको पनिशमेंट मिलती है, और वो पनिशमेंट बहुत आस्ते से आती है, इसलिए हमें बहुत दफा पता नहीं लगता। लेकिन जब हमको मालूम होता है और हम तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, सुधर जाते हैं, तो वो पनिशमेंट बंद हो जाती है, फिर हमको फेवर मिलती है, हमको गिफ्ट मिलते हैं, इमाम की जो आशीष मिलती है, रोजी रिज़क मौला देता है। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी खराबी यह है कि हमारे दिलों के अंदर से संतोष यानी के कंटेंटमेंट वो निकल गया है। हम ज्यादा से ज्यादा मालदार बनना चाहते हैं, आधी रोटी खाओ सुख की खाओ। बहुत पैसा होने से रात भर चिंता रहती है, और मैंने जो ये बात की कि आजकल बहुत से मेंटल बीमारियां पैदा हो गई हैं, तो ये मेंटल बीमारियां एक और बात इसके साथ कह दो कि जो पैसे वाले हैं ना उन फैमिलियों में ये मेंटल बीमारियां ज्यादा है। पैसा इंसान को बहुत सी किस्म की बदियां बुराइयां ला के देता है। हम मालदारी की दे देवे और मजहब छोड़ देवे वो बात ठीक नहीं। मालदार बनो, दसवन दो, मौला की मदद करो,
ताकि मौला इस पैसे से उन गरीब इस्माइलियों की मदद करे कि जिनके लिए 1100 बरस तक उन लोगों ने इमाम का दीदार नहीं किया, 1100 ईयर्स, और हमको अखना लिशा माँ बाप से लेके आज हजर इमाम तक लगभग ये 150 बरस के अंदर कितनी दफा दीदार दिया है। हमारे लिए आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अपनी चढ़ती अपनी जाओ जलाली, ये इमाम जमान की रहमत और दुआ आशीष है, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने मजहब की सेवा की हुई है उसके बदले में है। आज अगर हम चूक गए तो हमारी औलाद दुखी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा, डॉलर छोड़ देने से हमारी औलाद सुखी नहीं होगी। दरअसल मैं 40 बरस रहा हूं, 1942 में अपनी जमात का एक बड़ा आदमी था, वो गुजर गया। 40 लाख शिलिंग की मिलकत और कैश छोड़ गया, 40 लाख 4 मिलियन शिलिंग इन 1942, बहुत बड़ी रकम थी। उसके दो बेटे थे, इतनी रकम छोड़ देने से ये दो बेटे थोड़ा स्कूल में गए, फिर छोड़ दिया। पैसा जब ही मिला तो एक बेटा ड्रग में पड़ गया और यूरोप वगैरह घूमता गया, बहाना ये बनाया कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, लॉयर वगैरह कुछ न बना, बस ड्रग में अपनी जिंदगी गुजार दी और हार्डली 40 बरस की उम्र में गुजर गया। दूसरा बेटा वो भी इसी तरह से फैन फतूर में पड़ गया और वो भी इस तरह से गुजर गया। सारी मिलकत और उसकी आमदनी 20 बरस के अंदर हवा हो गई, क्योंकि उस पैसे में से दुश्मन नहीं निकली थी, उस पैसे में से दुश्मन नहीं निकली थी। इसके मैं ऐब नहीं खोलना चाहता, इसलिए मैं और कोई बात नहीं करूंगा कि दरअसल वाले आदमी का तक समझ जाए कि कौन था, लेकिन उसकी हकीकत यही है, कंजूस था, मक्खी चूस था, दुश्मन नहीं देता था, खैरात नहीं करता था, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस किस्म के बहुत से मिसालें एग्जाम्पल्स हमारी जमातों के अंदर इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका के अंदर मौजूद है। मैं जमात को जगा रहा हूँ, मैं जमात को खबरदार कर रहा हूँ, खाओ पियो ऐश करो मजे करो, लेकिन अपने मौला की नाफरमानी ना करो और मौला के अनग्रेटफुल ना बनो, ग्रेटफुल बनो, उसका थैंक्स मांगे। उसने हमको आज इस दर्जे के ऊपर पहुंचाया है, हमारी आल औलाद के लिए इनको मजहब सिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो, ताकि आने वाली नस्लों के अंदर काम कर सके। अभी भी 100 बरस बाकी हैं असवारी को, इन 100 बरसों के अंदर मौला को बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं, और हमारा फर्ज ये है कि मौला के सोल्जर बन के, मौला के नौकर बन के हम उसकी मदद करें, उसकी तरफ से हम लड़ाई करें। किसके साथ लड़े? बदियों बुराइयों से लड़े, शैतान से लड़े, दैत कालिंगा से लड़े, और इस तरह हम अपने मजहब को ठिका के रखें। ए मोमिना, अल्हम्दुलिल्लाह आप मोमिन हो, आपकी जमात अच्छी है, आप में से मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ। थोड़ी सी गफलत और बेदरकारी के कारण से जमात खाने की हाजिरी घट जाती है और जमात के अंदर लड़ाई हसद वगैरह हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और हमको आज इस जमाने के अंदर कितने साधन हैं, ईमेल है, टीवी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, फैक्स है, ऐसी कितने ही एजुकेशनल हेल्प देने वाली चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। आज तो इतना इल्म है कि आज से पहले लाख बरस तक भी ऐसा इल्म कभी इधर आया नहीं। इस वक्त इल्म सीखने के बेहिसाब तरीके हैं। आज से 7 बरस पहले मैं 76 ईयर्स का था, मैंने एक जगह फोन किया कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। मैं वहां गया जब ही और फॉर्म भरा, जब मैंने लिखा कि बॉर्न इन 1919, तो वो जो अबाई थी ना वो खड़ी हुई, मुझे हाथ दिया, एट दिस एज यू हैव कम टू स्टडी कंप्यूटर, यस, बहुत खुश हुई। मैंने दिल में कहा कि तेरे को मालूम नहीं मैं किसका रूहानी बच्चा हूँ, मेरे मौला का एक फरमान है
Education does not stop at university. It's a lifelong process. Sari zindagi insaan education sikhta hai. Sari zindagi. Main aaj bhi school mein baithne ko tayar hu chote bachchon ke saath kuch seekhne ke liye. Mujhe isme koi sharam nahi. Mujhe ilm milta hai. Kehne ka mera maqsad ye example isliye deta hu ki aise bahut se jawan bachche bhi hain ke jo maut shauk ya kisi aur reason ke khatir school chhod dete hain. उन्हें मालूम नहीं कि उनका फ्यूचर क्या होगा. कई बच्चे स्कूल में अच्छे नहीं, मौज शौक में, स्पोर्ट्स में, खेल तमाशे में, फ्रेंड्स के अंदर पढ़ जाते हैं, स्टडी नहीं करते, फेल हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं. हमारी जिंदगियां बहुत कीमती हैं. हमारी जिंदगियां हज़रत इमाम की मालिक की है. सारी जिंदगी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो. मैं अपना ड्रम बजाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोलूं कि मैं जब दारुसलाम में था तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज लंदन से मंगाया करता था. आर्किटेक्ट बना, आर्किटेक्चर सीखा, लॉ सीखा, ड्राफ्ट्समैनशिप सीखी. आप लोग सारा दिन इधर उधर घूमते रहो, कुछ ना कुछ सीखो, मजहब सीखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, इन किताबों के अंदर नोट्स लो और किसी के साथ बैठ के डिस्कस करो, इल्म का दरिया बहा दो. टीवी मैं देखता हूँ सुबह और शाम दो वक्त, न्यूज वॉच करता हूँ फिर बंद कर देता हूँ. टीवी को मैं टीबी कहता हूँ, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है. बच्चे टीवी पे बसे रहते हैं घंटा घंटा, दो दो घंटे तक, और टीवी के अंदर जो बच्चों के प्रोग्राम आते हैं वो भी बड़े डेंजरस और खतरनाक है. मेरा बस चले और मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं बुश की जगह, तो पहला काम यह करूं कि टीवी बंद कर दूं. हाँ, टीवी में अच्छी बातें भी हैं, टीवी में अच्छी बातें भी हैं. कभी कभी हिस्टोरिकल चीजें आती हैं, दुनिया की ऐसी ऐसी चीजें देखने में मिलती हैं कि हमको मौला की कुदरत याद आती है. तो जहां हमको फायदा होवे, जहां हमको अच्छाई नजर आवे, जहां हमको मौला दिखता होवे, वो काम करो, अच्छे काम करो और इस तरह अपनी रूहानी ताकत बढ़ाओ. एक दिन हम मर जाएंगे. आज से 100 बरस के बाद के 50 बरस के बाद बच्चों के सिवाय शायद कोई ना होवे. 100 बरस के बाद तो कोई नहीं होगा. बूढ़े चले जाएंगे, जवान भी चले जाएंगे, बच्चे भी बड़े होके चले जाएंगे. कोई इस दुनिया में नहीं रहने वाला. हमारे बंगले, हमारी मोटरें इधर ही रह जाएंगी. ए मोमिन, उठो, अपने मन को जगाओ, मौला को कहो या मौला मुझे शक्ति दे कि मैं रूहानी और नूरानी तौर पे आगे बढ़ूं, मैं तुझे राजी कर सकूं दुनिया में भी, दीन में भी. अपने बच्चों के लिए दुआ मांगो, दूसरी जमातों के लिए दुआ मांगो, अपने लिए दुआ मांगो और अपनी जिंदगी को सुधारो. रूहानी सुख पाओ, मन की शांति पाओ, मेंटल सुकून और पीस पाओ. इससे तबीयत भी सुधरेगी. बहुत सी बीमारियां मेंटल वरीज की वजह से होती हैं. ऐसा आदमी के जो दूसरों को देख के जलता है, वल्ला बिल्ला उसको हार्ट की ट्रबल सबसे पहले होती है. जो दूसरों को देख के जलता है, जिसका दिल हर वक्त जलापे में रहता है, उसका हार्ट वीक हो जाता है, माइंड भी वीक हो जाता है. तंदुरुस्ती के लिए इबादत, बंदगी, मजहब बहुत काम आता है, क्योंकि इबादत करने वाले अच्छे लोग जो होते हैं उनके दिल में सधियारा होता है. दुख भी आता है तो मेरा मौला बैठा है, उसको फिक्र नहीं होती और सचमुच मौला उसका काम कर भी देता है. वो किसी का बुरा नहीं करता, इसके लिए उसके दिल में बुराई पैदा नहीं होती. वो हसद नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, निंदा नहीं करता. इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारता है कि जैसे मौला ने फरमान किया है. फरमान पढ़ा करो, समझा करो, उसके ऊपर अमल किया करो, आपस में बैठ के मजहब की बातें करो, धर्म की बातें करो. इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो. दीन में, दुनिया में मौला आपको सुखी करेगा, आबाद करेगा. मौला आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करे, आफत बलाएं दूर करे. मौला ईमान की सलामती देवे. मौला शैतान के फरेब से बचाए, कलयुग की हवाओं से बचाए. मौला दसवंधी सुकुरीति बनाए. मौला ईमानदार मोमन बनाए.
اپنی نوازشیں رحمتیں برکتیں دے گئے. ہمیشہ مولا آپ کو آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے اور ہر طریقے سے مدد کر کے ہمیں سچائی کے اوپر اور اچھی باتوں کے اوپر لگائے, دین اور دنیا کی دولتیں دے گئے. سکھیا بہت رہو. ایسا